एमएसआरपीन के लिए खुशखबरी, सीएनजी के प्रामी शुरू, स्टेशन आज सुबह 6 बजे खुल जाएंगे। पाइपलाइन की मरम्मत के बाद पावर सेक्टर और फर्टिलाइजर्स को गैस की सप्लाई बहाल होगी। दोस्त ही दोस्त के दुश्मन निकले, नवाकोट में दोहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात। दोस्तों ने घर में घुसकर 24 साल अरसलान और 12 साल मुलाजिम तारिक को कत्ल कर दिया। मकतूलीन की ड्राइंग रूम से गला कटी लाशें मिली, पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। लॉरेंस रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से जख्मी नौजवान भी अस्पताल में चल बसा। बसंत के मामले में अब ये चूंकि मामला सब जुडिस है अदालत में, जब तक कोई अदालत से फैसला ना आए मैं उसमें सिलसिले में कुछ नहीं कह सकता। पंजाब में पतंगबाजी की कोई इजाजत नहीं, सूबाई वजीर कानून ने वाजे कर दिया। बिशारत राजा कहते हैं बसंत मनाने का मामला अदालत की सवाबदीद है। पंजाब में इस वक्त काइट फ्लाइंग एक्ट नाफिज है। धाती डोर से अब बात होना इंतहाई अफसोसनाक है। मिस्री शाह में बच्चे की मौत का सिर्फ नोटिस ही नहीं लिया, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मिस्री शाह में पतंग लूटते हुए करंट लगने से तालिबिल्म के जान भाग होने का मामला, मुतवफी शोहेब के वालिद जावेद की मदियत में मुकदमा दर्ज। धाती डोर बिजली की तारों पर गिरने से बच्चा जान भाग हो गया। मुकदमे का मतन, मुतवफी के घर सोग, ताजियत के लिए लोगों की आमद, कोई हुकूमती नुमाइंदा इजहार ताजियत के लिए ना पहुंचा। नैब न कभी मंशा बम था और ना ही होगा, हमें मंशा बम से तशबीह ना दी जाए, चेयरमैन नैब का अपोजिशन को पैगाम। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं सियासतदान हुकूमत से हो या अपोजिशन से, नैब के लिए सब बराबर हैं। अगर किसी ने जुर्म किया तो इसकी इंक्वायरी से कोई नहीं रोक सकता। वजीर आजम के खिलाफ केस नैब ने लगाया, वजीर आजम की इज्जत मजरू नहीं बल्कि इज्जत में इजाफा हुआ। एनआरओ किसी भी शक्ल में हो, नैब इसका हिस्सा नहीं होगा। कौन सा एनआरओ, मैंने तो कोई एनआरओ नहीं मांगा, रोजाना सिर्फ एक अखबार दे दिया जाता है, वही पढ़ता रहता हूं। नवाज शरीफ ने हाल दिल सुना दिया, नवाज शरीफ का जेल में टीवी ना मिलने का शिकवा। नवाज शरीफ से लीगी रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी लाहौर न्यूज पर आ गई। कैदी नंबर 4470 से अहले खाना और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात, मरियम नवाज, वालिदा शमीम बेगम, हमजा शहबाज और जुनेद सफदर की कोर्ट लखपत जेल में मुलाकात। शाहिद खाकान अब्बासी, मुशाहिदुल्ला खान, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्ला, राना तनवीर, परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब की भी मुलाकात। नवाज शरीफ से पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद भी मिले। राना सनाउल्ला के कोर्ट लखपत जेल के बाहर हुकूमत परवार, बोले तहरीक इंसाफ को कौन लाया, क्यों लाया गया, अब तो रेड़ी वाला भी पूछ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ खानदान को सर्टिफाइड, क्लासिफाइड और क्लियर क्लैरिफाइड चोर डिक्लेयर किया। स्पीडो बस में स्पीड से करप्शन हुई, प्यास चौहान के मुखालिफिन परवार, बोले फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और आले शरीफ मिन्नतें कर रहे हैं कि कुछ ले लो और जान छोड़ दो। हमजा शहबाज बड़के मारते हैं, इन्हें अपना हिसाब देना होगा, माफिया ने खजाना लूटा, इमरान खान भर रहे हैं। भेकेवाल मोड़ से नौमौलूद बच्ची जिंदा हालत में बरामद, रागीर बच्ची को जिना अस्पताल छोड़ गया, डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची की उम्र 2 से 3 घंटे है। एजाज आर्ट गैलरी में पोस्टर के उनवान से नुमाइश सजाई गई, अनीस मुजस्मों में नुमाइश की जीनत बनाया गया, पत्थरों के तराशे फनपारे, लोगों की तवज्जा का मरकज। और फुटबॉल के आलमी सितारे लाहौर में, फुटबॉलर लुइस फेगो और काका पैकेजेस मॉल में अब आमद, शायकीन फुटबॉल की आलमी खिलाड़ियों के साथ सेल्फियां।